जिसका जो नाता होता है भगवान पूरा करते हैं। हम आपको एक चर्चा सुनाते हैं, बहुत आनंद आएगा, सुनिए सुनिए। जनकपुरी के पास एक ब्राह्मणी रहती थी, गरीब लाचार, कोई नहीं था, दीन ही, एक बेटा। वह ब्राह्मणी बड़ी गरीब, घरों में जाती थी, घरों में बर्तन आदि ठीक करके भोजन की व्यवस्था करती थी, भोजन पानी चलाती थी, कभी कई बार भिक्षा मांगती थी, कई बार मेहनत करती। उसका कोई नहीं, पति का शरीर पूरा हो गया था, एक ही बेटा, घास फूस की झोपड़ी में रहती थोड़ी, घास फूस की झोपड़ी में रहती थी। धीरे धीरे समय बीता, भिक्षा मांगकर अपने बालक का पेट पालन पोषण करती। समय गुजरा, सावन का महीना आया, बालक थोड़ा बड़ा हो गया। सबकी बहनें आवे अपने भाई को राखी बांधे, सबकी बहनें आवे राखी बांधे, छोटे छोटे बच्चा खेल खेल में बताएं, अरे भाई पंडित जी देखो हमारे तो राखी बंधी, तुम्हारे नहीं बंधी। इनका नाम था प्रयागदास। प्रयागदास की आयु 5-6 साल की, मात्र 5-6 वर्ष के बालक, सबके हाथों में रक्षाबंधन को राखी देखी तो दौड़े दौड़े अपनी माताजी के पास गए। माँ माँ ओ माँ, माताजी सबकी बहनें हैं, हमारी बहन कहाँ? अब बेचारी माँ की आंखों में आंसू आ गए। त्योहार का दिन, रक्षाबंधन का दिन, सबकी तो बहनें हैं पर हमारे तो कोई बेटी नहीं है, इस बालक की तो बहन नहीं। और बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबी में कौन नाता जोड़े, कौन संबंध बनावे, कौन राखी बांधने आवे, राखी कौन बांधने आवे, तो कोई राखी बांधने नहीं आई। सोचा क्या बतावे, छोटा सा बालक धीरे से कहा, बेटा दरअसल तुम्हारी ना, तुम्हारी बहन अपने अपने ससुराल में है, तुम बड़े हो जाओ फिर जाना। तो छोटे छोटे जो गांव के बच्चे थे उन्होंने पूछा, क्यों प्रयागदास जी तुम्हारी राखी नहीं बंधी? तो प्रयागदास जी बोले, हमारी बहन आई नहीं है, ससुराल में है, बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी, इस साल नहीं आई, अगले साल आएंगे, राखी बनेगी, दो दो बनेगी। अच्छा झूठ बोल रहे हो, कहां है तुम्हारी बहन बताओ? फिर प्रयागदास भागा, मां के पास आया, मां आपने कह तो दिया कि बहन है हमारी, पर है कहां? अब तो बेचारी ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए, क्या बोल दे। कहा, बेटा तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है, तुम्हारी बहन का नाम श्री सियाजू है, भगवान से नाता जोड़ दिया, तुम्हारी बहन का नाम सियाजू, सीताजी सीताजी कहते हैं, और सियाजू कोई सियाजू कहता कोई सीता, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े अमीर आदमी है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं आ पाते। माताजी हम तो अपनी बहन के पास जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। माँ ने सोचा, छोटा बच्चा है क्या समझाएं, बेटा अभी अयोध्या दूर है, फिर चलना, कभी बड़ा हो जा तब चलना। नहीं माने, छोटा बच्चा रोने लगा, माताजी ने मार दिया, चुप हो जा, अभी नहीं जाना है, जब बड़े हो जाओ तब जाना। आहा, ये संसार की रीति है, जिसका कोई नहीं होता है उसके परमात्मा होते हैं। और आपको हम ये सत्य घटना बता रहे हैं, बालक की आयु 6 साल, पता जान लिया अयोध्या, बहन का नाम सीता। रात को माता जी सोई, मन में आया, हम तो अपनी बहन के पास जाएंगे, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की,
स्वामिनी सिया जू हमारी बेकर हमें काहे पी। मन में बालक सोचने लगा, हमारी स्वामिनी श्री सियाजू हैं, अब हमको फिक्र क्या करना है। माताजी ने तो समझाया, बड़े हो जाओ फिर चलना। रात हो गई, माँ तो सो गई। आहा, लेकिन बालक रात को प्रयागराज उठते हैं। मैं तो चलूंगा, सोचा बहन के पास जाना है, राखी बंधवाएंगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और घर में तो कुछ है नहीं। माताजी के पास दो साड़ी थी, दोनों साड़ियों में से एक साड़ी सूखने डाल देती थी, एक पहन लेती थी। तो बालक ने सोचा कुछ और तो है ही नहीं, साड़ी ले जाते हैं। माताजी की साड़ी ली जो सूखने डली थी, उसकी पोटली बनाई, बगल में दबाई, और रात को ही अंधेरे में ही नन्ना सा बालक चल पड़ा। हम तो अयोध्या जाएंगे अपनी बहन जी के पास, वो राखी बनाकर आएंगे, राखी बनाकर जब वापस लौटेंगे तो दुनिया को दिखाएंगे, देखो हमारी भी राखी बंधी है। बालकों को दिखाएंगे, देखो हमारी भी बहन है, राखी बंधी है। मन में मस्ती भरी चाल, बार बार बहन के पास जाएंगे, बहन के पास जाएंगे, कभी उछले कभी कूदे, दौड़ लगावे, अब कोई अता पता तो है नहीं। कई दिन हो गए पूछते पूछते, चलते चलते अयोध्या कहाँ है, किसी ने कहा ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, गया। भगवान की महिमा, अयोध्या पहुंच गया जल्दी। भगवान ने लीला की, जंगल में सोया जागा अयोध्या में। लोगों से पूछा ये कौन सा नगर है, लोगों ने कहा अयोध्या है, अयोध्या है। बाबा बहुत अच्छा, माताजी तो कह रही थी बड़ा दूर है, कितना तो नजदीक है, देखो जल्दी आ गए, सोए और जगे और आ गए, अब अयोध्या आ गए। अब अपनी बहन का घर पूछते हैं, पता पूछते हैं, भैया यहां हमारी बहन रहती है, क्या नाम है तुम्हारी बहन का, सियाजी नाम है, सीताजी, श्री सीता जी नाम है हमारी बहन का, आपको पता हो तो बता। हलो कहे बताओ, सीता जी बहनोई का क्या नाम है, शायद होगा कोई नाम सीता जी किसी का। अच्छा बहनोई का क्या नाम है, बहनोई का नाम राम जी है, राम 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 नाम बहनोई का है, बहन का नाम सीता जी है, आप इनका पता बताओ। आदमी बोले पागल हो गए, वो बार बार सबसे पूछे हमारी बहन का मकान का है। तो लोग ये पूछे सीता जी कहाँ रहती, बहनोई राम जी है ये कहाँ रहते, तो लोग मंदिर बता दे, वहां चले जाओ, आगे कनक भवन है, कनक भवन वहां जाओ, ये मंदिर में जाओ, तो कहें भैया यहाँ सीता जी रहती है, हाँ अंदर है, अंदर चलो अंदर, यहाँ सीता जी है, हाँ वो सामने बैठी भरत हस्त, अरे ये तो मूर्ति है भगवान नहीं, हमारी तो बहन सीता जी है, भगवान नहीं है, हमारी तो बहनो बहनोई, बहन सीता जी बहनोई राम जी है। लोग पागल समझने लगे। धीरे धीरे रात हो गई, रात को अयोध्या में एक कोने में बाहर आके बैठ गया कि अब तो मिलना ही नहीं है, बड़े आदमी है, माताजी ठीक कह रही थी मत जाओ, बड़े आदमी है, अमीर है,
बड़े हो जाना तब मिलेंगे। आंखों में आंसू आ गए कि हम गरीबों को कौन पूछे, हम गरीबों की कौन लाज रखे, भला हमसे क्यों मिलेगी हमारी बहन, बड़े आदमी है ये, बड़े लोगों से मिलेगी। आंखों में आंसू भरकर रोने लगे, लोग इन्हें पागल कहने लगे, और इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे हम पागल ही अच्छे हैं। आंखों में आंसू भर भर करके रोता है प्रयागदास, तो बड़े आदमी हैं, माताजी ठीक कह रही थी, बेफिजूली में आ गए, अब जाएंगे तो माताजी और मारेंगी, दर्शन नहीं भाई मिली नहीं, राखी नहीं बंधी, अब लोग ताना देंगे, बड़े गए तो थे कहां है राखी, कहां मिली तुम्हारी बहन, हमारे मित्र और चिढ़ाएंगे। बैठा बैठा रोने लगा, राम जी से नहीं रहा गया। प्रयागदास पेड़ के नीचे बैठा बैठा रो ही रहा था। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, भगवान ने सोचा इतने दूर से आया है सियाजू, चलना चाहिए। श्री जानकी जी ने एक थाली ली, उसमें राखी रखी, मिठाई रखी, थोड़ा सिंदूर रखा, एक तेज उजाला हुआ, सफेद हाथी प्रकट हुआ। प्रयागदास अपनी आंखों से रात को देख रहा, सफेद हाथी महाबत बैठा, उसके ऊपर दो लोग बैठे हैं, जहां बैठे देखे दो लोगों को देखा, वही हाथी नजदीक आकर रुका। प्रयागदास डर गया, लगता है इन्हें पता लग गया कि हम इनको गाली बक रहे हैं, तो हाथी से कुचलने के लिए, मारने के लिए भेजा, ऐसा सोचने लगा, लेकिन हाथी आकर रुका। महावत श्री हनुमान जी बने हैं हाथी को चलाने वाले, हनुमान जी ने नसेनी लगाई, श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जी नीचे उतरे। प्रयागदास ने गौर से देखा, कौन हो? राम जी बोले, ये तुम्हारी बहन है जिनके लिए तुम दिन भर रोते रहे, तुम्हारी बहन जानकी सीता जी, ये तुम्हारी बहन सीता जी है। प्रयागदास बोला, ये हमारी बहन हो ही नहीं सकती। क्यों? बहन जब भाई से मिलती है तो ऐसे नहीं मिलती है, जब भाई से बहन मिलती है तो लिपट करके रो पड़ती है। हम कैसे माने कि ये हमारी बहन है? इतना कहा तो श्री जानकी जी की तरफ रघुनाथ जी ने देखा, जानकी जी भागी भागी गई, भैया 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 कहकर बहन जी श्री सियाजू प्रयागदास को गले लगा, कैसे हो? ठीक, राखी बांधी, तिलक लगाया, प्रसाद पवाया, बालक जो साड़ी लेकर आया था साड़ी दी, ये हमारी तरफ से भेंट। सिया जी बोली, नहीं भैया, हमें पता है हमारी माँ के पास में दो ही साड़ी है, एक तुम उठा लाए, एक बची होगी, एक काम करो ये ले जाओ। खूब भर भर करके रोए, रघुनाथ जी भी भाई बहन का नाता देख करके रोए। हाथी पर फिर से श्री जानकी जी विराजमान भई, हाथी चला गया, रघुनाथ जी अदृश्य हो गए। अब तो प्रयागदास बड़ा प्रसन्न। प्रातः काल हुई, दो युवती स्त्रियां हाथ में प्रसाद का थाल लेकर आई, प्रयागदास को पवाया। प्रयागदास ने भोजन किए, थाल वहीं रख दिए, कोई आएगा ले जाएगा। उस आश्रम के जो महंत थे वो समझ गए इन पर रघुनाथ जी की कृपा हो गई। प्रयागदास वापस चलकर घर आया, माताजी ने पूछा कहां गए थे? प्रयागदास हाथ जोड़कर कहा, मां आपने कहा था ना कि अयोध्या में हमारी बहन सीता रहती हैं, हम अपनी बहन के पास गए थे, मिली? हाँ देखो मां, मिली, और मिली बहन नहीं, खूब हृदय से मिली, और हमें राखी भी बांधी। माताजी की भगवान की तरफ निहार कर बोली, हे रघुनाथ जी, आपने हमारी लाज रख दी, वरना ये भाई कहां भटकता। हे सियाजू, आपने हमारी लाज रख दी, जो राखी बांध दी। अच्छा बेटा, कैसे थे दोनों? मां बहन तो ठीक थी, पर बहनोई मिजाजी थी,
कैसे मिजाजी? बोले कम, बोले एक बार बार बोले ये तुम्हारी बहन, पर बोले नहीं बहन हो ये मिजाज। अच्छा कोई बात नहीं, मिल गए बहुत अच्छा। कई दिन बीत गए, माताजी का शरीर शांत हो गया, बड़े हो गए प्रयागदास। अब सोचा माताजी तो है नहीं घर पे, क्या करेंगे। सोई मिथिलापुरी से चल करके अयोध्या आ गए। लोग इनको जो है प्रयागदास तो कहते कि अपनी जानकी जी को बहन कहते हैं, तो उस नाते से लोग इनको मामा प्रयागदास के नाम से पुकारते हैं। आओ मामा प्रयागदास आओ आओ। बड़े भावुक श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी नाता निभाते हैं। हम आपको इस कथा के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, ये सत्य घटना हमने आपको मिथिला की सुनाई। मिथिला के एक बालक को, नन्हे से बालक, जैसे ये पता नहीं कि सियाजू कौन है, अयोध्या कौन है, राम जी कौन है, जैसे ये पता नहीं, उनके नाते को निभाने के लिए सियाजू बहनी बन सकती हैं, तो तुम रघुनाथ जी के तो तुम तो सब मामा लगते हो। रघुनाथ जी तुम्हारे भांजा लगते हैं, तुम मामा का अभिनय करना प्रारंभ कर दो, रघुनाथ जी भांजा बन करके तुम्हें तारने के लिए आ जाएंगे। तुम पर कृपा करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए अयोध्या चलना पड़ेगा।